हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है थर्सडे सुबह, मॉर्निंग का अभी बज रहा है 9। आज मौसम बड़ा ही अच्छा है, धूप तो नहीं निकला। अच्छा, ऐसे रहे तो अच्छा होगा। इतना टाइम से इतना गर्मी था इधर, आज बहुत ही अच्छा वेदर है। तो अभी से मैं मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बन रहा है सुबह की चाय, लेमन टी। तो आज है 28 अप्रैल और हमारा 20 अप्रैल को सेकेंड एनिवर्सरी था, लेकिन मैं उस दिन बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना सकी, टाइम ही नहीं मिला, इतना बिजी था। तो उस दिन का कुछ क्लिप आज मैं इस ब्लॉग में डाल दूँगी, छोटा छोटा कुछ क्लिप। और मैं उस दिन, क्योंकि हमारे इधर सब कुछ बंद है तो केक वगैरह ये सब तो नहीं मिला, तो घर पे ही बनाया एक इंटरेस्टिंग चीज़ से, वो है कस्टर्ड पाउडर से। घर पे पड़ा हुआ था बहुत दिन से, क्या करूँ, कस्टर्ड उतना खाती भी नहीं हम उतना ज़्यादा, तो पड़ा हुआ था। तो सोचा एक दिन यूट्यूब में देखते देखते देखा कस्टर्ड के केक भी होता है, मुझे पता भी नहीं था, तो वीडियो देख के बनाया, बहुत ही अच्छा हुआ, मतलब बहुत ही अच्छा। आप लोग घर पर ट्राई करो तो आप समझ जाओगे। तो वो किया, उसका रेसिपी भी आपको मिलेगी। मेरे साथ आगे तक बने रहो और देखते रहो मेरे चैनल को। और मेरे चैनल को अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी मॉर्निंग टी का टाइम हो गया, अभी हम लोग चाय पीएंगे। और ये है घर पे बनाया हुआ बिरयानी, मटन बिरयानी, दिखाती हूँ अंदर से। एनिवर्सरी स्पेशल लंच इज रेडी। 3 बज चुके हैं, अभी हम लोग खाएंगे, जल्दी से लंच कर लेते हैं। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड केक। तो इसके लिए मुझे जो चाहिए, मैं पहले बोल देती हूँ, मैं बना रही हूँ मिक्सी पर ग्राइंड करूँगी। तो मिक्सी फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है, मिक्सी पर मैं 1.5 कप के करीब, ये है शुगर पाउडर, घर पे बना लिया, इसको बना डालूँगी। ये है 1 कप और 1/2 कप शुगर पाउडर। इसके साथ मैं ऐड करूँगी ये बटर। इधर मुझे आइडिया नहीं है कितना, लेकिन
जैसे छोटा छोटा पाउच मिलता है बटर का, वैसा चार पैकेट छोटा वाला जो बटर मिलता है वो ले, वैसा ही अंदाज में मैंने लिया। इसको भी मैं इधर डाल दूंगी। तो मैं इसको अब मिक्सी में मिक्स करूंगी। तो मिक्सचर कुछ इस तरह की होगी। ये है बटर और चीनी का मिक्सचर ऐसा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अंडा, एक अंडा। इसको और भी अच्छे से मिक्स करना होगा। देख सकते हो मिक्सचर कितना अच्छा हुआ। तो इस मिक्सचर को मैं ऐसे ही रखूंगी। दूसरी स्टेप पे मैं एक बोल ले लिया, तो इसमें मैं डालूंगी एक कप के करीब मैदा और क्योंकि ये कस्टर्ड केक है तो घर पे मेरा कलर कस्टर्ड पाउडर था, ये इसमें वैनिला एसेंस भी रहता है तो अलग से मुझे कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्रूट कस्टर्ड जो बनाते हैं घर पे वही पाउडर है जो दुकान पे मिलता है, ये येलो वाला है। ये मैं हाफ कप के करीब डाल दूँगी और इसमें ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। इतना सा। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। तो मैं पहले जो स्टेप दिखाया था इसमें मैं आप ये दूसरे वाला स्टेप जो मैदा का है इसको इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगी और थोड़ा थोड़ा दूध डालूंगी। ये दूध पूरा ठंडा है, उबाला हुआ नहीं है। इधर मैं एक कप के करीब दूध ले लिया, बाद में चाहिए तो और ले लूँगी। तो इसमें मैं अब पूरा एक बार में नहीं, इस चीनी अंडे और बटर का मिक्स जो बैटर हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा करके ये मैदा, बेकिंग सोडा और कस्टर्ड पाउडर का जो मिश्रण है इसमें थोड़ा थोड़ा डालूँगी 3 चम्मच के करीब। तो इसमें पहले मैं इसको चलाऊंगी, इसको मैं पहले चलाऊंगी थोड़ा, फिर मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी। ऐसे पूरा ही ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ। तो इसको अब थोड़ा सा मिक्स करूंगी, फिर बाद में ये जो बाकी सब है वो भी ऐड करूंगी थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी और थोड़ा डालूंगी। ये जो मिक्सचर है ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके करना होगा, नहीं तो मिक्सचर भी अच्छा नहीं होगा और मिक्सी भी बहुत हॉट हो जाएगी। इसमें डालूंगी थोड़ा सा दूध, इस परिमाण में डालना है दूध के पूरा लिक्विड ना हो जाए, थोड़ा थिकनेस हो ऐसा ही करके।
तो देख सकते हो मिक्सचर कुछ ऐसा हुआ है। हाथों से करने में टाइम लगेगा, तो मैं जब भी बनाती हूँ मिक्सी में ही बनाती हूँ। तो मेरा इतना सा दूध जो है बच गया, ये डाल देती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही पतला हो जाएगा, तो ऐसा ही ठीक है। स्टेप फोर में क्या करना है, मैं इस बर्तन में करूँगी और मैं गैस में करूँगी, तो ओवन तो नहीं है तो गैस में कर रही हूँ, इसीलिए अब जिसमें करना उसमें आप थोड़ा सा घी या बटर या ऑयल लगा लेना। तो इसमें मैं एक पेपर डालूँगी, ये पेपर और ये पेपर डाल के अच्छे से इसमें घी लगा के दिखाती हूँ। तो मैंने घी लगा लिया, देख सकते हो बाहर का वैक्स पेपर के जैसा ही लग रहा है। अगर आपके घर में नहीं है तो आप ऐसे ही पेपर से या वाइट कागज़ से भी कर सकते हो। तो अब मैं इसमें डालूँगी ये बैटर को, देख सकते हो इधर एक या दो तीन ऐसे जो फूला हुआ है ना, देख सकते हो करीब से, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इस ऐसा जब होगा, आप जब बैटर को डालेंगे तो इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बैठा देना होगा अच्छे से, ऐसा करने से वो फट जाएगी तो आपकी केक में केक भी अच्छा ही होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको ये तो रेडी हो गया, अब मुझको ये गैस पे बैठाना है। तो मैं ऐसा एक बड़ा सा कढ़ाई ले लिया, इसको पहले तो इधर मैं गैस को ऑन कर दे रही हूँ, इसको ऐसा बड़ा सा एक कढ़ाई ले लिया, ये थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसके ऊपर ऐसा एक तो क्या बोलते हैं जो आप लोग टेबल के ऊपर इस पे खाना लगाते हो ना, इसके ऊपर खाना रखते हो सब, ऐसा ही कुछ बाज़ार में मिलता है जो, तो ऐसा इसके ऊपर रखूँगी, इसके ऊपर मैं बिठाऊँगी ये थोड़ा सा गर्म हीट हो जाए 10 मिनट के लिए। उसके बाद गैस को एकदम से लो करके मैं इधर जो बैटर है इसको इस पे बैठाऊँगी, तो धीरे से रखना है। तो इसको ऐसे करके एक ढक्कन लगा के गैस को एकदम स्लो करके, और इधर जो होल है इसको भी बंद कर देना है, ऐसे ही करके छोड़ देना है अब 30 मिनट के लिए। तो आप कुछ टाइम के बाद आके देख सकते हो ये ऐसे ही धीरे धीरे हो जाएगी और फूल भी जाएगी। तो ऐसे ही छोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। एक घंटा हो चुका है, मैं थोड़ा सा देखती हूँ क्या हुआ, अभी भी टाइम लगेगा, एक घंटा डेढ़ घंटा लग जाता है, क्योंकि ये फूल एकदम गैस लो करके होता है इसलिए। तो एक घंटा हो चुका है, एक घंटे के ऊपर ही हुआ, तो मैं अभी चेक करूँगी। ये चेक करने की प्रोसेस क्या है, आप लोगों के पास अगर टूथपिक या कुछ इस तरह की कुछ चीज़ है तो इसके साथ आप चेक कर सकते हो कितना हुआ है। इसमें से थोड़ा सा देख सकते हो ये लग गया है, तो अभी हुआ नहीं है और भी टाइम लगेगा। तो मेरा कस्टर्ड केक आई थिंक हो चुका है पूरा, तो अभी देखती हूँ।
देख सकते हो, एकदम हल्का सा है, जस्ट थोड़ा थोड़ा। मैं अभी गैस को ऑफ कर दूंगी क्योंकि बाकी जो है वो गरम जो भाप है उसमें ही बन जाएगा। तो मेरा कस्टर्ड केक इज रेडी। देखने में उतना भी अच्छा नहीं हुआ और घर पे जितना सामान था उतने उससे ही किया, तो सजाने का भी कुछ भी नहीं है। आप लोग को दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी हुआ है, देख सकते हो स्पॉन्जी कितना हुआ है। तो आप लोग भी घर पे ट्राई करो, आई होप अच्छा ही होगा। कैसा लगा मेरा आप लोग की रेसिपी? आई होप अच्छा लगा हो। आप लोग भी ऐसे घर पर ट्राई करना। और आज के लिए इतना ही, और एक दिन आऊँगी और भी नए नए चीज़ लेके आप लोगों के साथ। तो रहो, स्वस्थ रहो, बाय बाय।